हेलो एवरीवन एंड ग्रीटिंग्स इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड। सबको नमस्कार, सबको यीशु मसीह के नाम में शुभकामना देते हैं। आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम के एक भाग हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रोग्राम। इस कार्यक्रम को देखने के लिए धन्यवाद। And thank you for inviting your friends and relatives to watch this program. हम धन्यवाद देते हैं कि आप अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को लिए इसे निमंत्रण करते हैं इस कार्यक्रम के लिए। As I always say, you are investing in their lives. जैसे मैं हर रोज बताता हूँ, आप उनके जीवन में योगदान दे रहे हैं। Leading your friends and families to God is one of the most beautiful thing that is we see in the world. इस संसार में सबसे बढ़कर सुंदर बात यह है कि अपने परिवार को, अपने दोस्तों को प्रभु के लिए अगुवाई देना। And you are bringing them together to watch godly programs. आप उन्हें जो है बुलाते हैं, जमा करते हैं ताकि वो प्रभु के कार्य को देख सकें। The programs of the world are filled with stuffs that is not relevant. संसार की कार्यक्रम जो है ऐसे चीजों से भरी हुई है जो उसमें कोई संबंध नहीं है। If we look at it from the eternal perspective. अगर आप अनंत राज्य की उस जो है योजना से देखें। It has no value. उसका कोई मूल्य नहीं है। It's filled with entertainments. वो सिर्फ जो मनोरंजन से भरा हुआ है। It's filled with things that are not from God. और ऐसी चीजों से भरी हुई है वो प्रभु की ओर से नहीं है। It is filled with things that are full of deception. और धोखे की चीजों से भरा हुआ है। The TV serials that we watch. और टीवी की जो नाटकों को देखते हैं। The movies that we watch. जो मूवियों को हम देखते हैं। Those are programs that degrade our minds. और ये ऐसे कार्यक्रम हैं हमारे दिमाग की चीजों को जो नीचे गिरा देता है। But there are some programs that God has. मगर ऐसे कुछ कार्यक्रम हैं जो प्रभु ने रखा हुआ है। That will bless you. वो आपको आशीष देता है। That will lead you to His kingdom. वो आपको प्रभु के राज्य की ओर अगुवाई देता है। That will set your hearts on the pilgrimage to heaven. और वो जो है उस स्वर्ग की यात्रा की ओर लगा देता है। And I'm happy that you are watching this programs these days. इन दिनों में आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हम बहुत खुश हैं। You know, if we look at television these days. इन दिनों में अगर आप टीवियों को देखते हैं। The worth of a man is coming down every day. मनुष्य की उसका स्तर जो है प्रतिदिन नीचे उतरते आता है। Recently, you must have watched about the Syrian refugee migration. और अभी इन वर्तमान में जो है एक सीरियन की एक व्यक्ति जो अपने स्थान से दूसरे स्थान में आते हुए आपने देखा है। Millions and millions of them. और उनमें से सैकड़ों लोग migrating from one country to another. एक देश को छोड़कर दूसरे देश में जा रहे हैं। And the other country not willing to accept them. और दूसरे देश तैयार नहीं है उन्हें स्वीकार करने के लिए। Dying on the journey on the sea. और उनकी यात्रा में समुद्र में मर जाते हैं। Thousands of them stranded in the river banks. और जो है उन नदी के तट पे ही कई लोग अटके पड़े हैं। People being made like animals. लोगों को जानवर के समान बना दिए हैं। When you watch those programs. आप इन कार्यक्रम को जब देखते हैं। You question yourself. अपने आप में सवाल करते हैं। What is the worth of a man? एक व्यक्ति की उसकी आदर क्या है? How much is he worthy? आप कितने योग्य हैं? Does he have some values? क्या उसका कोई मूल्य है? Look at the pictures of the world today. इस संसार की जो चित्रों को देखिए। Look at people killing each other. देखिए एक दूसरे की हत्या करते हैं। How they enjoy destroying other people's lives. एक दूसरे की जीवन को बिगाड़ने में कितने आनंद उठाते हैं। How much they enjoy bombarding other cities. एक दूसरे की शहरों को जो है बम से विस्फोट करने से कितने आनंद उठाते हैं। The chemical adulteration in our foods. हमारे भोजनों में जो दवाइयों के असर हम देखते हैं। People do it without thinking. और बिना सोचे लोग इसे करते हैं। They don't even give a second thought. और उसकी दूसरी विचार तक समय नहीं देते हैं। I was watching how they make milk out of shampoos. और मैं इस कार्यक्रम को देख रहा था कि शैम्पू से कैसे वो दूध को बना रहे थे। And now there is this thing called plastic rice in the market. अभी बाजारों में जो है प्लास्टिक की चावल दिखाई देती हैं। And there is artificial egg that has come out in the market. नकली अंडे जो अभी बाजारों में आने लग गई हैं। People are destroying each other. लोग जो एक दूसरे की विनाश कर रहे हैं। They don't even care for what happens to another human being. दूसरे मनुष्य के लिए क्या होता है उसकी चिंता तक नहीं करते हैं। The quality of life is deteriorating day by day. और जीवन की मूल्य दिन भर घटता जा रहा है। We find it everywhere. हर स्थान में देखते हैं। Nothing is original. कोई भी वस्तुएं हकीकत में नहीं है। Everything is duplicate. हर चीज नकली है। And many times we think, oh, what's the best thing that we can have in the market? हम कई बार सोचते हैं बाजार में कौन सी ऐसी वस्तु है जो बेहतर हम पा सकते हैं। What food to have in the restaurants? और हमारे भोजनालय में कौन सी भोजन कर सकते हैं? Oh, what cosmetics to put on in our face? हमारे चेहरे में कौन सी चीजों को लगा सकते हैं? Even the cosmetics that you put on a face are duplicates. और जो cosmetic की जो इस्तेमाल करते हैं चेहरे में वो भी नकली है।
People are making money in whatever way they can. जैसे भी हो सके लोग पैसे बना रहे हैं. The human morals have degraded down. मनुष्य की नैतिकता नीचे गिरता जा रहा है. And we ask, what is the value of life? हम सवाल करते हैं हमारे जीवन की मूल्य क्या है. Let's turn to the Bible. आइए बाइबल की ओर जाएं. Because when we look at the Bible, क्योंकि जब हम बाइबल में देखते हैं, it gives us the right perspective of a human life. मनुष्य के लिए एक जीवन की एक सीधी दृष्टिकोण देता है. When we go to Genesis, हम जब उत्पत्ति में जाते हैं, the Bible says that God created man in His own image. बाइबल बताता है परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया. In His very likeness, God created man. परमेश्वर ने अपनी ही साया में मनुष्य को बनाया. When God looked at man for the very first time, जब परमेश्वर ने मनुष्य को जब पहली बार देखा, God could see Himself in that man. और अपने आप को मनुष्य के अंदर वो देखने पाए. That's the meaning of likeness. और वही जो समानता का मतलब है. That's the beauty of God's creation. और इस सृष्टि का सुंदरता यही था परमेश्वर का. That's why God says He looks like me. और परमेश्वर कहता वो मेरे समान दिखता है. He has my nature. और मेरे स्वभाव उसके अंदर है. He is made in my image. और मेरे स्वरूप में बनाया गया है. You know when man was created. आप जानते हैं जब मनुष्य रचा गया था. It was not an accidental thought that came over God's mind. और परमेश्वर के दिमाग से इत्तेफाक से ये योजना नहीं आया. The Bible says God said, "Let us make man in our image." और बाइबल बताता है, आए मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएंगे. The Father, the Son, and the Holy Spirit. पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा. The triune God came together. त्रिएक परमेश्वर एक साथ हुए. And then they discussed. और उन्होंने वार्तालाप करी. They made a big plan. उन्हें एक बड़ी योजना बनाया. They made the grandest of plan in the universe. इस संसार में सबसे बेहतर बड़ी योजना बनाई. And then they made man. और उसके बाद मनुष्य को बनाया. Everything that God created in the universe. और जो कुछ इस ब्रह्मांड में रचाया गया है. He spoke. और उसने बोला. And it came into being. और वो अपनी वास्तविकता में आ गई. He spoke. और उसने बोला. And the things happened. और ऐसे ही होने लगा. But when it came to the creation of man. जब मनुष्य की सृष्टि की बारी आई. God paused for a while. परमेश्वर एक बार रुका. And He said. उसने कहा. He is my own image. और वो मेरी स्वरूप है. I will not create him by my word. और मैं सिर्फ वचन से नहीं बनाऊंगा. I will make him with my own hand. मैं अपने हाथों से बनाऊंगा. That's why God took the mud from the earth. और इसी वजह से परमेश्वर ने पृथ्वी से मिट्टी को उठाया. And he lovingly created man. और प्रेम पूर्वक परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया. And when man started breathing. और जब मनुष्य सांस लेने लगा. That brought the greatest of joy in God's heart. और वो परमेश्वर के हृदय के अंदर एक बड़ी आनंद को ले आया. I believe God may have danced before His angels. और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर नाचा होगा स्वर्गदूतों के सामने. Man is a supernatural creation of God. और परमेश्वर की एक अलौकिक रचना है मनुष्य. Man is not a product of evolution. और मनुष्य जो एक चीज से उत्पन्न हुआ व्यक्ति नहीं है. Man is not a concept. और मनुष्य सिर्फ एक विचार नहीं. Man is not a quantity. और मनुष्य सिर्फ एक वस्तु नहीं. Man is not a number. और मनुष्य सिर्फ गिनतियां नहीं. Many nations take their citizens just as numbers. कई राज्य जो अपने लोगों को सिर्फ गिनतियों में बताते हैं. We are just numbers in their votes. हम जो उनके वोटों की सिर्फ गिनती हैं. We are counted as people groups. हम सिर्फ जो लोगों के झुंड में गिने जाते हैं. For politicians we are just numbers. और राजनीतिक लोगों के लिए सिर्फ हम गिनतियां हैं. But God says you are not a number. परमेश्वर कहता तुम सिर्फ गिनती नहीं. I have created you with my own hands. मैंने अपने हाथों से तुम्हें रचाया है. Genesis 1:26 says. उत्पत्ति पहला अध्याय 26 पद कहता है. Then God said, "Let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing." That creeps on the earth. फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें. God never sleeps or slumbers. परमेश्वर ना तो सोता है या ना ऊँगता है. The kingdom of heaven just has one sole business. और स्वर्ग राज्य का सिर्फ एक ही व्यवसाय है. And that is connected with man. और वो मनुष्य के साथ जुड़ा हुआ है. That is the redemption of lost humanity. और जो मनुष्य खोए हुए हैं उनकी छुटकारा. You know, if we were to go to God and ask today. अगर आज हम प्रभु से जाके मांगे.
What is the one thing that fills your heart, O God? एक वस्तु जो क्या है जो आपके हृदय को प्रश्न कर सके? What does the heaven discuss about day in and day out? और दिन और रात जो है स्वर्ग किस चीजों के बारे में विचार करता रहता है? What thing occupies your mind? आपके विचार में क्या चीज भरा हुआ है? Are you concerned about the planets? क्या आप इन ब्रह्मांडों के ऊपर ध्यान देते हैं? Are you concerned about the stars? या इन तारों के ऊपर ध्यान देते हैं? Are you concerned about the asteroids? क्या सिर्फ एस्टेरॉइड के बारे में ध्यान देते हैं? Are you concerned about the oceans? या इन समुद्र के ऊपर ध्यान देते हैं? Are you concerned about the mountains? या इन पर्वतों के ध्यान रखते हैं? Are you concerned about another things in the universe? ये संसार की या दूसरी बातों में ध्यान देते हैं? I think God will tell us. मैं सोचता हूँ कि प्रभु ऐसे कहेंगे. My only concern is the humanity. मेरी एक ही ध्यान है वो मनुष्य है. My only dream is about man. और मेरा सपना सिर्फ मनुष्य है. All I can think about is you. और जो कुछ मैं सोच सकता हूँ सिर्फ तेरे बारे में ही सोच सकता हूँ. That's why to redeem the lost mankind. और इसी वजह से इस खोए हुए मनुष्य को छुटकारा देने के लिए I sent my own son. मैंने अपने ही पुत्र को भेजा हूँ. To pay the price for you. आपके लिए कीमत चुकाए. God would have given up the entire universe to buy you, my friend. और परमेश्वर संपूर्ण उस ब्रह्मांड को दे दिया होगा आपको खरीदने के लिए. He can create millions of stars in negotiation to buy you. और कई और तारों को बना सकता था कि आपके बदले में कीमत दिया जाए. To purchase you, he could have given anything. और आपको खरीदने के लिए और कुछ भी दे सकता था. But God said no. परमेश्वर ने कहा नहीं. This thing Things don't hold any value in my sight. और मेरी नजरों में इन चीजों का कोई मूल्य नहीं है. The entire universe is nothing. और सारे संसार मेरे लिए कुछ नहीं है. Because this man is so precious. क्योंकि ये मनुष्य बहुत ही बहुमूल्य है. I love him so much. मैं इनसे बहुत प्रेम करता हूँ. He is made in my image. वो मेरे साया में बनाया गया है. Even though he goes down in the depths of sins. और जबकि वो पाप की गहराई में चले जाता है. He is lost in sin. और वो पाप में खोया हुआ है. He has lost that image. और वो साया को उसने खो चुका है. He has lost My likeness in his life. मेरी समानता को अपने जीवन में खो चुका है. But even then, I love him so much. यद्यपि मैं उसे बहुत प्रेम करता हूँ. No price is worthy enough. और कोई भी कीमत उसकी योग्य नहीं है. No price is high enough. और इससे ज्यादा और कीमत नहीं है. Than the sacrifice of my own son. सिर्फ जो है उसकी अपनी बेटे की बलिदान. Do you know how much you're worthy? आप जानते हैं आप कितना बहुमूल्य हैं? Look at Jesus. यीशु को देखिए. Look at the price he paid. वो कीमत जो उसे चुकाए उस पे देखिए. That's how much God values you. इतना आपका वो मूल्य रखते हैं. You might have your children or your parents or your family members. हो सकता है आपके पास बच्चे हो या आप बच्चे हो या आपके परिवार के सदस्य हो. If someone was to donate their kidney to another family member. या अपने गुर्दे को जो है दूसरे अपनी परिवार के सदस्य को देना पड़े. It takes a massive struggle in the family. एक बहुत बड़ी संघर्ष होता है उस परिवार के अंदर. But God said. परमेश्वर कहता है I give you my son. मैंने अपने बेटे को दे दिया है. Without reservations. बिना कोई आरक्षण. Without any terms and conditions. बिना कोई शर्त. He will go to the deepest level of death. और वो जो मृत्यु की गहराई तक जाएंगे. He will go to the lowest level of humility. और अपमान की जो है बहुत ही गहरे स्थान तक जाएंगे. He will be disgraced. उसकी निंदा किया जाएगा. He will be counted as the most corrupt sinner. और उसे जो है बड़े पापियों के बीच में गिना जाएगा. Just to prove your worth in my life. ताकि आपकी मूल्य हमारे जीवन में निभाने के लिए ऐसे किए. You're worthy, my dear friends. आप बहुत ही बहुमूल्य हैं मेरे मित्रों. You're worthy. आप बहुत ही बहुमूल्य हैं. You know, if man was not created. अगर सोचिए मनुष्य की रचना नहीं किया गया हो. Heaven would have no meaning. स्वर्ग का कोई मतलब नहीं रहता. If the children of Adam and Eve doesn't dance in the hallways of heaven, अगर जो है आदम की संतान उस स्वर्ग में नाचेंगे नहीं, heaven will be empty. ये स्वर्ग खाली होगा. There will be no heaven. वहाँ पे कोई स्वर्ग नहीं रहता. Because his children are no longer there. क्योंकि उनके संतान है नहीं वहाँ पर. You know why heaven has meaning? आप जानते हैं कि स्वर्ग का मतलब है? Because God is preparing a place. क्योंकि परमेश्वर एक स्थान आपके लिए तैयार कर रहा है. That's why Jesus said. और इसीलिए यीशु ने कहा. I go and prepare a place for you. मैं जाता हूँ तुम्हारे एक स्थान तैयार करता हूँ. Why did Jesus go and prepare a place for us? क्यों यीशु को जाना पड़ा एक स्थान तैयार करने के लिए? Why did he order some angels to do it? क्यों ना वो स्वर्गदूतों का आदेश देते उसे करने के लिए? Within the twinkling of an eye, they could have arranged everything in heaven. और पलक झपकने के उस समय के अंदर ही वो सब चीज उत्पन्न कर देते. The angels are ready to receive his commands. और स्वर्गदूत तैयार उसके आदेश को पाने के लिए. One moment and then they do everything. एक क्षण में सब चीज वो कर देते. But why did Jesus say? मगर क्यों यीशु ने ऐसे कहा? I go to prepare a place for you. मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने के लिए. And when it is done, जब वो पूरा हो जाए,
I will come back. मैं आऊंगा. That is Jesus. और वही यीशु है. Jesus says. यीशु ने कहा. You are my prized possession. तुम ही मेरे लिए बहुत बड़े धन हो, जो बड़े कीमती हो. You are the apple of my eye. मेरी आंखों की पुतली हो. No one in this universe can touch you. कोई भी संसार में आपको छू नहीं सकता है. That's why I do everything for you myself. और इसी वजह से अपने आप खुद मैं आपके लिए सब कुछ करता हूँ. When I was reading the Bible, जब मैं बाइबल पढ़ रहा था, in Genesis it says, उत्पत्ति में कहता है, God planted a garden in the east of Eden. और परमेश्वर ने एदन की वाटिका जो है उस पूरब की ओर लगाया. And that made me wow. और मुझे बहुत ही अचंभित कराया. God planted garden with His own hands. परमेश्वर ने अपने हाथों से उस वाटिका को बनाया. Everything He spoke and came into being. वो हर चीज बोला, वो अपने वस्तु में आ गया. But when it concerned man, जब मनुष्य की बारी आई, when it concerned the future of man, जब मनुष्य की भविष्य की बारी आई, God said, "This speaking thing is not enough." और सिर्फ बोलना काफी नहीं है. I will plant a garden with my own hands. मैं अपनी हाथों से उस वाटिका को बनाऊंगा. That's how precious you are, my dear brothers and sisters. प्रिय भाइयों बहनों, आप इतनी बहुमूल्य हैं. God rejoices over you. परमेश्वर आपके प्रति आनंदित होता है. Even now God looks at you and sees His image. अभी आपको देख के अपने स्वरूप को आपके ऊपर देखता है. That's why isn't it wonderful what God says in the Bible? क्या ये अद्भुत बात नहीं है, बाइबल इस प्रकार कहता है? Luke 15:10. लूका रचित सुसमाचार 15:10. God dances in the presence of His angels when a man comes back to Him. जब एक व्यक्ति जो उसके पास वापस लौटता है, तो परमेश्वर स्वर्गदूतों के सामने नाचता है. God dances. परमेश्वर नाचते हैं. Many times I used to think that the angels are dancing. और कई बार मैं सोचता था कि स्वर्गदूत नाचते हैं. Because when we read the Bible at the first glance, it says there's dancing in the presence of angels. और यहाँ पे पहली बार जब हम देखते हैं, स्वर्गदूतों की उपस्थिति में एक नाच है करके लिखा गया है. But one day I was reading it very carefully. एक बार मैं ध्यान से पढ़ रहा था. There is rejoicing in the presence of angels. स्वर्गदूतों के सामने एक आनंद मनाया जा रहा है. Who rejoices in the presence of angels? स्वर्गदूतों के सामने कौन आनंद मना सकता है? Who dances in the presence of angels? स्वर्गदूतों के सामने कौन नाच सकता है? It's God. वो परमेश्वर है. When a man comes back, जब एक व्यक्ति वापिस आता है, God dances in heaven. स्वर्ग में परमेश्वर नाचते हैं. It's not the angels. ये स्वर्गदूत नहीं. Maybe angels just clap hands. हो सकता है स्वर्गदूत तालियां बजाएं. Or they are the second dancers. या नहीं तो दूसरे नाचने वाले हो. They are the background dancers. वो पीछे नाचने वाले हो. But the main dancer is God. और जो सबसे प्रथम नाचने वाला वो प्रभु है. When you come back, जब आप वापिस आते हैं, God dances. परमेश्वर नाचता है. The heaven is filled with joy. स्वर्ग में आनंद से भरा हुआ है. God's face lights up. और परमेश्वर के मुंह चमकने लगता है. Because the sons of Adam has come back. आदम के पुत्र वापिस आ चुका है. Without you, आपके बिना, there would be no wedding feast. और वहाँ पे कोई जो त्योहार नहीं होता. There would be no songs of angels. वहाँ स्वर्गदूतों की हर्ष नहीं होती. There would be no marriage supper of the Lamb. और वहाँ पे जो है शादी की भोजन नहीं होता. There would be no millennial kingdom. और वहाँ पे हजार साल की राज्य नहीं होता. There would be no God talking to His bride. और वो अपने दुल्हन के साथ बातचीत नहीं करता होता. There would be no marriage. और वहाँ कोई शादी नहीं होती. There would be no life. और वहाँ पे कोई जीवन नहीं रहता. If man was not the center of God's will, या परमेश्वर की इच्छा के केंद्र मनुष्य न होता तो. Let me tell you, my friends. मैं बताना चाहता हूँ मित्रों. Heaven loves you so much. स्वर्ग आपसे बहुत प्रेम रखता है. You are the center of God's eternal purpose. परमेश्वर के अनंत मकसद के केंद्र आप हैं. For everything God did other things. और परमेश्वर ने बाकी सब बातों के लिए उसने किया है. But when it come to redeeming man, जब मनुष्य की बारी आई, God shed His own blood on the cross. परमेश्वर ने अपनी खून क्रूस पे बहाया. No price would do. और कोई भी कीमत इसका नहीं हो सकता है. Nothing is worthy enough. उसके कोई मूल्य है ही नहीं. I was reading an article in the newspaper. अखबार में एक चीज में पढ़ रहा था. Scientists have discovered a planet twice the size of Earth. और जो वैज्ञानिकों ने जो एक ग्रह की जो उत्पन्न की है, जांच किया है, जो पृथ्वी से बड़ा है. The entire planet is filled with diamonds and quartz. और संपूर्ण ग्रह जो है सारे प्रकार के हीरो से या क्वार्ट्ज से भरा हुआ है. If you look at this Earth, अगर इस पृथ्वी को देखें, people kill to have a small bit of diamond for their possession. और अपने धन में एक छोटी सी जो हीरे को पाने के लिए एक दूसरे की हत्या करते हैं. They murder each other. एक दूसरे की हत्या करते हैं. They kidnap each other. एक दूसरे की जो है अपहरण करते हैं. For a little bit of diamond. एक छोटी सी डायमंड के टुकड़े के लिए. For a tiny weeny diamond. और एक छोटी सी हीरे के लिए. God says. परमेश्वर कहता है. I have planets filled with diamonds. और मेरे पास ऐसे ग्रह है उसमें भरा हुआ है.
But that's nothing compared to your worth. मगर उसमें आपके तुल्य है नहीं. That's nothing compared to your worth. आपके तुल्य कुछ और है नहीं. You are precious. तुम बहुमूल्य हो. What God has deposited in your soul is priceless. जो आपके आत्मा में परमेश्वर ने जमाया है वो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन है. And Satan doesn't want you to know it. और शैतान उसे आप जानना ना चाहता है. Because the day you discover your value, जब आप अपने मूल्य को जिस दिन आविष्कार करेंगे, the day you find out your worth, अपने मूल्य को जब आप जानने लग जाएंगे, then you will turn back to God. आप प्रभु की ओर मुड़ जाएंगे. Because your life will be a life of gratitude. क्योंकि आपकी जिंदगी जो है आभारी से भर जाएगा. Forget about what the world says. भूल जाइए संसार क्या कहता है. Forget about what the TV serial says. और टीवी की नाटकें क्या कहती है उसे भूल जाइए. Forget about what the news shows you. और जो अखबार आपके बारे में बताता है उसे भूल जाइए. Just take this moment. और ये क्षण लीजिए. Just close your eyes. अपनी आंखें बंद करके देखिए. And just ask God of the Bible. और बाइबल के परमेश्वर से पूछ के देखिए. Lord, how much am I worthy? और मैं कितना यो मूल्य हूँ प्रभु. Lord, how much am I worthy? मेरा मूल्य कितना है प्रभु? Let me tell you, my friends. मैं आपको बताना चाहता हूँ मित्रों. Your true worth is hidden in Jesus. आपकी सही मूल्य यीशु में छुपा हुआ है. Your true worth is hidden in Jesus. आपकी सही मूल्य यीशु में छुपा हुआ है. No one else, no property, nothing. और कोई भी नहीं, कोई भी धन नहीं, और कोई भी वस्तु नहीं. Only Jesus can satisfy the deepest hunger in your life. आपकी हृदय की गहराई भूख को प्रभु यीशु मसीह ही पूरा कर सकते हैं. Remain in Him. उसमें बने रहें. Your life will be worthy. आपकी जीवन मूल्यवान बन जाएगा. You know, when I look at my hands. जब मैं अपने हाथों को देखता हूँ. These hands are so worthy. और ये हाथ इतनी बहुमूल्य हैं. These hands are priceless. और इसकी कोई कीमत नहीं है. Look at your hands. Your hands are priceless. अपने हाथों को देखिए वो बहुत कीमती हैं. You won't sell your hands even for $1,000,000. आप इसे जो है कई जो है डॉलरों के लिए बेचेंगे नहीं. It's so priceless. ये इतना कीमती है. But someone meets with an accident. अगर एक व्यक्ति की दुर्घटना हो जाता है. And the hands come off. और उसके हाथ निकल आ जाता है. Immediately the hand becomes useless. और तुरंत वो हाथ जो है नालायक बेकार हो जाता है. It has no value. उसका कोई मूल्य नहीं है. It's thrown away. उसे फेंक दिया जाता है. It's burnt. उसे जला दिया जाता है. It's cast away. और उसे दूर कर दिया जाता है. This very same hand. और यही हाथ. As long as it was in the body. जब तक ये बदन में जुड़ा रहता है. It was priceless. इसका कोई कीमती नहीं है. The very same hand. वही हाथ. Once it detaches from the body. जब इस देह से अलग किया जाता है. It is useless. उसका कोई काम नहीं है. In the same way. उसी प्रकार. Jesus said. यीशु कहते हैं. I am the vine. मैं ही वो दाख हूँ. You are the branches. तुम लताएं हो. To know your worth. अपनी उस मूल्य को जानने के लिए. Remain in me. मुझ में बने रहो. Don't attach your values with temporal things. ये जो अस्थाई चीजों के साथ अपने मूल्य ना बनाएं. Don't attach your values with things that pass away. और जो चीज निकल जा रहा है उसके साथ अपने मूल्य को ना तोलें. Don't attach your value with people. अपने लोगों के साथ अपने मूल्य ना जोड़ें. Don't attach your value with things that you have. और जो चीजें आप रखें उसके साथ अपने मूल्य को ना जोड़ें. Just tell Jesus how much am I worth. सिर्फ यीशु को बोलिए कि मैं कितना मूल्यवान हूँ. And he will show you from the Bible. वो बाइबल से दिखाएंगे. How much you are worthy. कि आप कितने मूल्यवान हैं. Without you. आपके बिना. Heaven has no purpose. स्वर्ग का कोई मकसद नहीं. God has no mission. परमेश्वर का कोई सेवा नहीं. Jesus sacrifice is in vain. यीशु की बलिदान व्यर्थ जाता. With you. आपके संग. Heaven wins. स्वर्ग जीतता है. Jesus' mission is accomplished. यीशु की सेवाएं संपूर्ण होता है. And everything is powerful and grand. हर चीज है बड़ा है और सामर्थी है. Let's pray. आइए प्रार्थना करें. Heavenly Father, we thank you for your presence. स्वर्गीय पिता आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद. As I pray, Lord. जैसे हम प्रार्थना करते हैं. I believe there are so many of your children watching this program. विश्वास करता हूँ कई सारे लोग हैं जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं. Who have lost the values for their lives? जिन्होंने अपने जीवन की मूल्य को खो चुके हैं. Many of them are watching this program. They are saying right now. और कई लोग जो इस कार्यक्रम को देखते हैं इसे इस प्रकार कहते हैं. I see no value in my life. मैं अपने जीवन की मूल्य देख नहीं पाता हूँ. They have been hearing from their parents. वो अपने माता पिता से सुनते जा रहे हैं. You are worthless. तुम्हारे कोई लायक ही नहीं है. You are good for nothing. किसी चीज का लायक नहीं हो. You are not worthy enough. आपके कोई लायक नहीं, किसी काम का लायक नहीं हो. That's what they have been hearing. यही चीज वो सुनते जा रहे हैं. I see many students watching this program. और मैं देखता हूँ कई छात्र इस कार्यक्रम को देख रहे हैं. Your teachers have told you. आपके जो अध्यापक ने बोला है. You are not good enough.
कोई काम का लायक नहीं हो। Your brain is not good enough। तुम्हारा दिमाग किसी काम का लायक नहीं है। You won't do much in life। अपने जीवन में कुछ करने वाले नहीं हो। But let me tell you, my dear children। और मेरे बच्चों, मैं बताता हूँ आपको। The Lord Jesus says। प्रभु यीशु कहते हैं। I have purchased you with a price। और मैंने एक कीमत के साथ तुम्हें खरीदा है। But because I know your value। क्योंकि मैं तुम्हारे मूल्य को जानता हूँ। And there is nothing in earth that can compare to what I purchased for you। इस पृथ्वी में जो कुछ है उसमें कोई तुल्य नहीं जिससे मैं तुम्हें खरीदा हूँ। Because you are priceless। क्योंकि आप बेशकीमती हो। You are bought with a price। आप एक कीमत के साथ खरीदे गए हो। You are redeemed by the Son of God। पुत्र के द्वारा तुम आजाद किए गए हो। You are bought with a mission। एक सेवा के लिए बुलाए गए हो। My dear children, प्रिय बच्चों, don't listen to false voices। झूठी आवाज को ना सुने। Come to Jesus। यीशु के पास आएं। Remain in Him। यीशु में बने रहें। And you will get the value that God has for you। आपकी जो मूल्य जो प्रभु रखा है उसे आप पाएंगे। God loves you। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। God loves you। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। If He didn't love you, अगर उसने प्रेम नहीं किया होता, He would not have sent Jesus to die for you। वो आपके लिए यीशु को नहीं भेजता मरने के लिए। He would not have prepared the grandest place in heaven for you। आपके लिए एक बड़ा स्थान उस तैयार नहीं किया रहता स्वर्ग में। There would be no wedding feast। वहाँ पे कोई शादी की जो त्योहार नहीं होता। There would be no marriage supper of the Lamb। वहाँ पे जो उस मेमने की उस शादी की भोजन नहीं रहता। Jesus loves you। यीशु आपसे प्रेम करते हैं। The heaven are watching over you right now। स्वर्ग आपकी ओर देख रहा है। Cheer up। आनंद हो जाएं। And be blessed। आशीषित रहें। In Jesus name we pray। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। My dear friends, I know you are blessed। प्रिय मित्रों, जानते हैं कि आप आशीष पाए हैं। Please write to us in the email address given here। और यहाँ पे दिया गया ईमेल के पते में आप अपनी चीजों को लिखें। And call us in this phone numbers। इस संख्या में हमें बुलाएं। With your prayer requests and suggestions, आपकी जो प्रार्थना की निवेदन, so that we can pray for you, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। God bless you so much, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दें। Till we meet again, अगले बार मिलते तक, stay safe, सुरक्षित रहें। Amen, amen। If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedbacks to Angel TV, Villivakkam, Chennai 600049, Tamil Nadu, India. Our email ID is programs.hindi@angeltv.org। अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं, तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए। Angel TV, Villivakkam, Chennai 600049, Tamil Nadu, भारत। हमारा ईमेल आईडी है programs.hindi@angeltv.org।